हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगी कैसे आप पुराने ओल्ड चूड़ीदार की मदद से एक ब्यूटीफुल सा लहंगा तैयार कर सकते हैं, कंट्रास्ट लहंगा। बट इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बस नीचे बने हुए यूट्यूब के लाल बटन को क्लिक करना है और बाजू की नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक चूड़ीदार लिया है जिसका मैंने ऊपर का जो बेल्ट पार्ट है वो मैंने सीजर की मदद से सिंपली कट करके निकाल लिया है। इसे कट हो जाने के बाद हम अपना क्रॉस हेरिया भी निकालेंगे, दोनों चूड़ीदार को पहले अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद अंदर की सिलाई को भी हम कट कर लेंगे सीजर की ही मदद से। दोनों ही पैरों के चूड़ीदार के साथ आपको इसी तरीके से सिलाई से कट कर देनी होगी। चूड़ीदार आमतौर पर बहुत ज़्यादा लंबा होता है क्योंकि इसमें चूड़ी होती है। फिर आपको इस तरीके का फैब्रिक मिलेगा, आप इसे रख दीजिए। फिर आप ब्लू कलर का चूड़ीदार यूज़ कीजिए। ब्लू कलर के चूड़ीदार के साथ भी आपको सेम प्रोसेस करना है, बेल्ट निकालना है ऊपर का, नीचे का क्रॉस एरिया कट करना है और साइड के स्टिचिंग रिमूव करना है। ये भी आपको आप देख सकते हैं ये सारे प्रोसेस के बाद आपको सेम फैब्रिक मिला है। फिर आप येलो और ब्लू फैब्रिक इस तरीके से प्लेस कर दीजिएगा एक दूसरे के साथ, और एक तरफ आप येलो एक तरफ ब्लू, फिर ऊपर जहाँ पे आपने येलो रखा है उसके ऊपर आप ब्लू प्लेस कीजिए और जहाँ मैंने ब्लू रखा है वहाँ मैंने येलो प्लेस किया है। ये मैंने एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश किया है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप उसको प्लेस कर लीजिए और जो मिडिल की स्टिचिंग है यहाँ पर हम उसे स्टिच कर देंगे, जो हमारा मिडिल का पार्ट है। जैसे आप देख सकते हैं हम एक येलो और एक ब्लू चूड़ीदार के पार्ट को इस तरीके से हमने लेके हम यहाँ पे सुई और धागे की मदद से स्टिचिंग कर रहे हैं। आप सिलाई मशीन भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक पार्ट स्टिच हो चुका है, मैं सेकेंड पार्ट अपना स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से जब दोनों पार्ट स्टिच हो जाए तो आपको इसे फ्लिप करके एक दूसरे के ऊपर रखना है और साइड से इसे बराबर से कट करना है। आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे है इसलिए आपको इसको बराबर से एक राउंड शेप की कटिंग देना है ताकि आपका जो लहंगा है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल और एनहांस लगे। फिर ऊपर जो बेल्ट एरिया था, जो मैं यहाँ पर येलो चूड़ीदार का बेल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्लू वाला भी यूज़ कर सकते हो या और कोई कंट्रास्ट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। इसे भी मैं सुई और धागे की मदद से बेल्ट भी अपना यहाँ पे लगा रही हूँ ऊपर की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर ही नीफा था, मैं उसी नीफे में इलास्टिक भी ऐड करूँगी और उसके बाद इसे वापस इस मैं प्लेस करने के बाद इसकी जो साइज स्टिचिंग है वो मैं कर रही हूँ। इस तरीके से हमें दोनों अपना साइड भी स्टिच कर लेना है। ये मेरी साइज का चूड़ीदार है इसलिए मैंने कोई फिटिंग नहीं लिया है, जो बेल्ट पार्ट है वो मेरे चूड़ीदार का था, वही पार्ट में आप भी अपना यूज कर लीजिएगा। और चूड़ीदार तो आमतौर पे बहुत ज्यादा लंबा होता है, नीचे चूड़ी आती है इसलिए आपको बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा लहंगा मिले। यहाँ पे मेरी स्टिचिंग हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे और एनहांस करने के लिए मैं ये ब्यूटीफुल सी पर्पल और गोल्डन कलर की लेस ऐड कर रही हूँ कंट्रास्ट करने के लिए। इसे भी मैं सुई और धागे की मदद से लगा लूंगी और मैंने लगा चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। Till then, thank you for watching my channel. Bye-bye. Take care.